अच्छा यहाँ पे जो है ये पाकिस्तान के बच्चे हैं जो स्कूल में छुट्टी है जी, पिकनिक पे आए हुए हैं। क्या पिकनिक पे आए हुए जी, मुझे मिले हैं वो पाकिस्तान से है और अपना नाम क्या? मुबीन खान और कलीमुल्ला। ये जो गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ये यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे यहाँ पे इंडियन लोग भी आते हैं, पाकिस्तान के लोग भी आते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, घूमते घूमते मैं सीधा, हाँ एकदम बस शांति लग रही है, बहुत शांति लग रही है, कुछ भी नहीं है और कितना शांत है यहाँ पे माहौल, कितना शांत है। और ये कितना बड़ा गुरुद्वारा है ना, बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, इतना अच्छा और इतना मस्त ब्यूटीफुल लग रहा है ना यहाँ पे, इतनी मन को इतनी शांति लग रही है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब इंडियन लोग आते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी आते हैं, इंडियन लोग भी आते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो बात है ना वो एक ही चीज़ है कि यहाँ पे इंडियन लोग जो है वो पाकिस्तान में आ सकते हैं, बट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया नहीं जा सकते। तो अभी तक आप इंडिया में हो, आप पाकिस्तान में आना चाहते हो बिना वीज़ा के, तो सबसे अच्छा जगह है यहाँ पे करतारपुर साहिब आओ आप। ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो करने के बाद आप भी मेरी तरह पाकिस्तान आ सकते हो। यानी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मेरे को कैसा कितना अच्छा फील हो रहा है यार के बंदा पाकिस्तान में आया है, ना मेरे कोई रिलेटिव है, ना कोई जान पहचान है, ना कोई नहीं है, और मैं यहाँ पे हूँ। वाह, कितने सारे लोग हैं देखो यहाँ पे, बहुत सारे हैं जो आए हुए यहाँ पे। वाह, ये देखो कितना बड़ा गुरुद्वारा है। अच्छा यहाँ पे जो है ये पाकिस्तान के बच्चे हैं जो स्कूल में छुट्टी है जी, पिकनिक पे आए हुए हैं। क्या पिकनिक पे आए हुए हैं? अच्छा नाम क्या है आपका? आयशा। आयशा और आयशा। अच्छा आयशा और इनकी, ओहो, और ये लोग है ना यहाँ पे पिकनिक के लिए आए हैं। और ये लोग सब कहाँ से? पाकिस्तान में? वहाँ से ही है। अच्छा यहाँ से ही है, ये सब लोग पाकिस्तान से आए हैं। देखो मैं इंडिया से आया हूँ। पाकिस्तान से आए हैं और हर जन प्रीत ला, हर दिन मान बदल। कोई एक चीज बताऊं, मेरा इंडिया का जो सिम कार्ड है वो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे बातें भी हो रही है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अभी मैं फ़ोन मेरे पास आया है। हेलो,
कहीं नहीं, आप फरू छो। हेलो हेलो हेलो, हाँ नेटवर्क नो इश्यू है थोड़ू। हाँ देखा, इंडिया से कॉल आया था, थोड़ा बहुत नेटवर्क का इश्यू है, लेकिन मैं फ़ोन उठा सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे बात कर सकता हूँ, टेक्स्ट मैसेज भी डाल सकता हूँ। वाह, और एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे। वाह कितने सारे लड़के लोग आए हैं जो पाकिस्तान से। सर आप कहाँ से? सॉरी शकरगढ़ पाकिस्तान से जी। सर है आप, ये स्टूडेंट लोग के, ये स्टूडेंट है सर के, और अच्छा लगा आपसे मिलके। और कैसा है सर यहाँ पे? बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे बच्चे। अच्छा तो आज क्या स्कूल में छुट्टी है? जी स्कूल में छुट्टी की है। अच्छा देखो, स्कूल में छुट्टी करने के बाद सब लोग यहाँ पे आए हैं पिकनिक मनाने के लिए, और यहाँ पे बहुत शांति लग रही है ना, बहुत सुकून मिल रहा है ना। कितने बहुत सारे लड़के हैं। हाँ जैसे हम लोग वहाँ से आए ना, तो हम लोगों को पासपोर्ट लगा, डॉक्यूमेंट लगा, और फिर जैसे बहुत सारी फॉर्मेलिटी रहती है, तो आपको यहाँ पे आने के लिए कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी? सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड। सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड और कुछ नहीं? और तो फिर आपको आने जाने के लिए कुछ ऐसा है कि एक ही बार आ सकते हो? नहीं, हम जितना डेली वीजा, डेली बेसिस पर आ सकते हैं। अच्छा ये पाकिस्तान में ये है, इनको आना है यहाँ पे, तो वो डेली बेसिस पे आ सकते हैं, उनको कोई आइडेंटिटी नहीं है। सिर्फ ये जो ब्लू कलर का जो आइडेंटिटी दिया है वही है? डेफिनेटली, इसका मतलब है कि आप वहाँ पे रजिस्टर्ड होके आए। अच्छा जी, हमारी अच्छा आपसे वहाँ पे डाटा सारा हमारा। अच्छा उनके वहाँ पे लिखा हुआ है विजिटर, और हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है ना उस पे लिखा हुआ है यात्री। अच्छा ये डिफरेंस है आपके और मेरे कार्ड में। और आपको यहाँ पे रिटर्न जाने के लिए कोई टाइमिंग वगैरह? नो नो नहीं, आप कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। अच्छा ये फ़ायदा है यार, जबकि हम लोगों को आना है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आना है, और उसके बाद करीबन 4 बजे वापस रिटर्न जाना है जी। है ना जी। ओके शुक्रिया। वो तो क्लोजिंग टाइम है, वो तो हमें क्लियर करना ही पड़ेगा। अच्छा क्लोजिंग टाइम से पहले हमको निकल जाना है, लेकिन आप यहाँ पे रुक सकते हैं जी। अच्छा इनको रुकने के लिए अलाउड है, हम लोगों को अलाउड नहीं है, 4 बजे से पहले हमको निकल जाना है यहाँ से। थैंक यू सर। अच्छा पाजी मुझे मिले हैं, वो पाकिस्तान से है, और अपना नाम क्या? मुबीन खान। मुबीन खान और कलीमुल्ला। कलीमुल्ला ये पाकिस्तान, कहाँ से? पाकिस्तान से। ये हमारा साथ ही गांव है, थोड़ी दूर। अच्छा यहाँ पे नज़दीक में है भैया, तो आप यहाँ पे ऐसे ये ट्रिप लेके आए हैं स्कूल? अच्छा स्कूल के बच्चों की ट्रिप लेके आए हैं। अच्छा मैं गुजरात, सूरत गुजरात, शायद नाम सुना है, मुंबई, मुंबई नाम सुना है, मुंबई सुना है। मुंबई से एक स्टेट आगे है यानी गुजरात आएगा, काफ़ी दूर है इधर से। हाँ यहाँ से तो काफ़ी दूर, तो आपको भी कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ी आने के लिए? हाँ जी काफ़ी फॉर्मेलिटी है, जैसे हम लोग आईडी कार्ड होना जरूरी है, आईडी कार्ड होना जरूरी है, और चेकिंग फीस होती है, 400 पर हेड 400 रुपया, यानी हम लोगों को $20 हुआ जो आने के लिए जो फीस रहती है वो, तो हम लोग भी वही वो फीस दे के आए।
और फिर यहाँ पे काफी अच्छा लगा यार, माशाल्लाह ये बहुत बहुत यानी सुकून भी बहुत अच्छा है। और यार एक एक तरीका है, देखो आप भी हिंदी में बात करें मैं भी हिंदी में, यानी कोई डिफरेंस तो है ही नहीं, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, वही ना। और ये ही जगह ऐसी है ना जहाँ पे हम लोग आ सकते हैं। अच्छा आपको इंडिया आना है तो अच्छा आप लोग को अलाउड नहीं है। अच्छा देखो इनको अलाउड नहीं है, जबकि इंडिया वाले को अलाउड है कि वो यहाँ पे आके आ सकते हैं, यहाँ पे रुक अच्छा सकते हैं। आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये कैसा इनिशिएटिव समझते हैं? ये सही में बताओ ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यानी बाय गॉड हम लोगों को सपने में भी ख्याल नहीं था कि हम लोग पाकिस्तान कभी आ सकते हैं, या तो जिसके रिश्तेदार हैं वो आएंगे। वाघा के थ्रू आना होता तो फिर वाघा के थ्रू तो पहले जब आते थे सब लोग आते थे, अभी तो बंद हो गया तो कोई आ ही नहीं सकते। लेकिन ये एक ऐसा है ना जहाँ पे देखो मैं इंडिया में बैठा हूँ, आप पाकिस्तान में बैठे हो, आज नसीब अच्छा था आपसे मुलाकात भी हो गई, और बहुत इस तरह तो कई ये रिश्तेदार भी मिल गए ना, मिल गए। हाँ वही ना, किसी को मिलना है अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे मिल सकते हैं। और सर कैसे हैं? सर बढ़िया एकदम। आप कहाँ से? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? मैं गुजरात। मोटा हो गए हैं। बस बस बस, कैसा लगा आपको? फर्स्ट क्लास। सब इंडिया पाकिस्तान सब सेम सेम है ना, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं, सब बस ये बॉर्डर है, बॉर्डर पार करनी है और कुछ नहीं है, है ना। अच्छा इमरान साहब, अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। चलिए देखा सब लोग सेम, और कैसे बातें भी बहुत अच्छे से करते हैं ये जो जितने भी है ना। हेलो, आप भी पाकिस्तान से? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। देखो ये पाकिस्तान स्टूडेंट है आप? यस सर। ये सब लोग स्टूडेंट है और ये लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए है। ये सब वो बच्चे लोग उसी के साथ में हो? अच्छा आप लोग अलग अलग से कहाँ से? अच्छा वहाँ से आए। देखो ये सब लोग आए हैं यहाँ से पाकिस्तान से। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अली। कासम हुसैन। कासम हुसैन, मोहम्मद अली। देखो सब 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 स्टूडेंट है, लगता है आज स्टूडेंट लोग का दिन है यहाँ पे, सब स्टूडेंट काफी सारे आए। नहीं वैसे हमें कोई आइडिया नहीं था ये स्टूडेंट का दिन है। अच्छा, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे जितने भी देखा ना सब स्टूडेंट स्टूडेंट आए हैं। शायद पहले आए थे, कौन सी थी? अच्छा इसे पहले आके जिस दिन बारिश नहीं थी, हाँ उस दिन आए थे, उधर बंद था, इधर कोई फंक्शन था, इसलिए हम वापस चले। अच्छा तो फिर हम दोबारा आइडिया बनाया कि छह तारीख को चलेंगे। अच्छा तो सब लोग मिल के आए? ये जो होता है ना मंगल बुधवार आते हैं, हाँ स्कूल के टूर्स आते हैं। अच्छा मंगलवार बुधवार को, अच्छा वो ज़्यादा स्टूडेंट लोग ज़्यादा आ जाते हैं ना स्कूल से टूर। अच्छा स्कूल की टूर आ जाती है। अच्छा अच्छा, और यहाँ से पाजी ये अपना लाहौर जाते हैं? लाहौर दूर है ना? है ना, यहाँ से दूर है। देखिए यार इधर से 60-70 किलोमीटर पे एक मोटरवे है, तो उससे मोटरवे से। अच्छा तो जैसे ये गुरुद्वारा है, यहाँ से आगे जाना आपको अलाउड नहीं होगा ना? आपको अलाउड नहीं, जैसे हमको इसे ये गुरुद्वारा से आगे जाना वहाँ पे अलाउड नहीं है, पर आपको ये साइड में अलाउड नहीं होगा, है ना। अच्छा अच्छा, हम इधर से अगर बाहर निकलते हैं ना, हाँ एक कार्ड पहले देंगे उनको। अच्छा उनको कार्ड दे? अच्छा आपका वही ना, हमारा येलो वाला कार्ड है, आपका ये वाला कार्ड है, ब्लू वाला कार्ड है। अच्छा विजिटर वाला, ये हमारा विजिटर वाला कार्ड है। हाँ हमारा इंडिया है, वहाँ से बॉर्डर पार करने के बाद यहाँ पे आना, जबकि हमको यहाँ पे आना है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ सकते। ओके थैंक यू, थैंक यू, बाय। आप कहाँ से? पंजाब से। तो यहाँ पे ऐसे गुरुद्वारा दर्शन के लिए आए? फिर दर्शन के लिए। अच्छा नहीं तो ज़्यादातर लोग है ना यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए भी आते हैं ना, है ना, मिलने के लिए भी आते हैं। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया ना, सब इंडिया पाकिस्तान सब सेम सेम है, सेम सेम है ना, लैंग्वेज सेम है, सब बातें करना भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ यही बस देखो वहाँ पे बॉर्डर थी, वो बॉर्डर पार किया, यहाँ पे पाकिस्तान है, कोई फ़र्क नहीं है, आना जाना सिर्फ बस इतना ही है, बाकी बॉर्डर के अलावा कोई भी फ़र्क नहीं है, सब लोग अच्छे से बात भी अच्छे से कर रहे हैं। और सर ठीक ठाक एकदम? बस बस बस, ये देखिए अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा अंदर यहाँ से जाना पड़ेगा? दरबार साहब बिल्कुल सामने दरवाजा। हाँ आगे से। हाँ ओके ओके थैंक यू।